subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 15 अपने फैंस और दर्शकों को एक के बाद एक झटके दे रहा है। बीते दिन ही सलमान खान ने शो में मायशा अय्यर के बाहर होने का ऐलान किया था। इसके बाद पूरे घर का माहौल गमगीन हो गया था। जी हां, मायशा के बॉयफ्रेंड निशांत सहगल का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मायशा के बाहर होते ही ईशान ने उन्हें गले लगाया, किस किया और रोने लगे। घर के बाकी सदस्यों ने ईशान को सांत्वना दी और बताया। वहीं हालांकि लग रहा है कि बिग बॉस मेकर्स अभी थमने वाले ही नहीं हैं। मेकर्स ने शो से एक और कंटेस्टेंट्स को शॉकिंग एलिमिनेशन कर दिया है। जी हाँ, यही सच है। मेकर्स ने जिस शख्स को घर से बाहर किया है वो कोई और नहीं बल्कि मायशा अय्यर के बॉयफ्रेंड ईशान सहगल ही हैं। बिग बॉस से जुड़ी खबरों की माने तो ट्विट हैंडल से खबरें बात आ रही है कि खबरी ने ट्वीट करते हुए बताया है कि ईशान सहगल का पता कट गया है। मायशा ने एलिमिनेशन के तुरंत बाद ईशान सहगल का घर से जाना फैंस के लिए दोहरा सदमे में काम कम नहीं है। इस तरह से एक साथ अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट्स को बाहर होते देखना किसी को नहीं सुहाएगा। वैसे अगर वो शो की बात करें तो दिवाली स्पेशल वीक में घर में दो लोगों की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है। इसमें नेहा वसीन और राकेश बापट का नाम शामिल है। दोनों को घर से वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स के तौर पर एंट्री दी गई है। इस एंट्री में शमिता शेट्टी तो खासी खुश है, वे शो में और भी मजबूत हो गई हैं। राकेश बापट के घर आते ही शमिता शेट्टी एक्साइटमेंट से झूम रही हैं। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.